आपकी प्यारी दोस्त परी। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ईमानदार मुर्गे और उसके दोस्त की कहानी सुनाऊंगी कि कैसे उसके दोस्त ने उसे मुसीबत में डाल दिया। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका कार्य रोज सवेरे बांग देकर सबको उठाना था। हर मौसम में वह निरंतर बिना चूक के समय से बांग देता था। उसकी बांग सुनकर सभी लोग अपने काम पर जाते थे। सभी उसके काम से प्रसन्न थे, क्योंकि कोई भी काम पर देर से नहीं पहुंचता था। उसके इसी ईमानदार कार्य के कारण उसे हर वर्ष सालाना उत्सव में नगर समिति की ओर से इनाम मिलता था। एक बार उससे मिलने पड़ोस के गांव से उसका दोस्त आया। वह उसके लिए एक तोहफा लाया था। वह तोहफा था एक अलार्म घड़ी। मुझे ने सोचा कि जब वह खुद सबको उठाता है तो मेरे लिए अलार्म घड़ी किस काम की। उसके दोस्त ने समझाया कि वह अपनी आवाज में अलार्म भरते तो उसकी जगह घड़ी बांग देगी और वह देर तक सो सकेगा। मुर्गे ने सोचा कि उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर इस घड़ी ने उसका काम कर दिया तो वह आराम से सो सकता है। एक रात उसने अपनी आवाज में अलार्म भरा तो वह घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी और सभी लोग उठ गए। मुर्गे ने सोचा घड़ी अच्छा काम करती है, और उस दिन से वह अपने कानों में रुई डालकर देर तक सोने लगा। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। कुछ दिन के बाद एक दिन अलार्म घड़ी नहीं बजी, लेकिन मुर्गा उसके अनजान रहता है। सब लोगों को उठने में देर हो जाती है, पर वह ये सोचते हैं कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब होगी। परंतु अगले दिन फिर घड़ी नहीं बजती है। तब सभी लोग मुर्गे के पास जाते हैं और देखते हैं कि मुर्गा बड़े आराम से सो रहा है। वह उसे उठाकर डांटते हैं और उससे पूछा जाता है कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। फिर क्या हुआ परी? कहां मुर्गा घड़ी की बात बताता है। नगर समिति उसके दोस्त को बुलाती है, और फिर उसका दोस्त बताता है कि वह मुर्गे के अच्छे काम से मिले इनामों से ईर्ष्या करता था और वह उसे डांट पड़वाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने दोस्त को खराब घड़ी भेंट की। अंततः ईमानदार मुर्गे का दोस्त उससे माफी मांगता है। रूसी का दोस्त अपने कृत्य के लिए माफी मांगता है, और रूसी को भी अपनी गलती का सबक मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें दूसरे लोगों या वस्तुओं पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को ही भूल जाएं। बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। धन्यवाद।